हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास डेडेकिंड थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स। डेडेकिंड थ्योरी क्या होती है? जो रियल नंबर्स के लिए डेडेकिंड ने थ्योरी दी थी वो होती है, वो अगर उसमें कुछ ऑक्सियम्स हैं, कुछ रिलेशंस हैं, उनको सेटिस्फाई करें तो हम उसको कहेंगे कि डेडेकिंड कट। फर्स्ट है उसमें थ्योरी में डेडेकिंड कट क्या होता है। डेडेकिंड कट इज एन ऑर्डर पेयर एक्स वन एक्स टू, वेयर एक्स एक्स टू एंड सॉरी एक्स वन एंड एक्स टू आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ इस तरह से कोई कट होता है रियल नंबर्स के बीच में विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है उनको सेटिस्फाई करेंगे। जो प्रॉपर्टीज क्या है फ्रेंड्स, एक्स वन यूनियन एक्स टू इक्वल टू क्यू, जहाँ क्यू जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर्स है, यानी कि हमारे पास एक्स वन और एक्स टू में कोई भी रैशनल नंबर नहीं होगा, इनका यूनियन जो होगा रैशनल नंबर्स होगा। अगर एक्स वन और एक्स वन नॉट इक्वल टू फाइव एंड एक्स टू नॉट इक्वल टू फाइव, यानी दोनों में से कोई भी फाइव नहीं हो सकता, यानी हर किसी उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए। इफ फोर ऑल आर बिलोंग्स टू एक्स वन, सॉरी इफ नहीं लगेगा, यहाँ फोर ऑल आर बिलोंग्स टू एक्स वन एंड एस बिलोंग्स टू एक्स टू, देन अगर ये हमारे पास आर बिलोंग्स टू एक्स वन एंड एस बिलोंग्स टू एक्स टू, तो उस कंडीशन में आर लेस देन इक्वल टू एस होगा। और उसके बाद है एक्स टू डज नॉट हैव लोएस्ट रेशनल नंबर्स, यानी सॉरी रेशनल नंबर्स, एक्स टू के पास कोई भी लोएस्ट रेशनल नंबर नहीं होगा। हियर एक्स वन इज कॉल्ड लोअर और लेफ्ट क्लास एंड एक्स टू इज कॉल्ड अपर और राइट क्लास। उसके बाद सेकंड कंडीशन जो होगी वो होगी रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ कट्स। उसमें रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ कट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, टू कट्स एक्स वन एंड एक्स टू एंड वाई वन और वाई टू आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ वाई वन, सिमिलरली फॉर एक्स टू इक्वल टू वाई टू, यानी कि हर एलिमेंट एक्स वन का एलिमेंट एक्स वाई वन के इक्वल के बराबर बराबर हो और एक्स टू का एलिमेंट वाई टू के बराबर हो, यानी एक्स वन बराबर वाई वन हो और एक्स टू बराबर वाई टू हो, तो हम कहेंगे जो रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ कट्स हैं। ऑर्डर रिलेशन इन कट्स, जो ऑर्डर रिलेशन जो होता है इनमें वो क्या होता है, अगर एक्स वन वाई वन सॉरी एक्स वन वाई वन लेस देन इक्वल टू एक्स टू वाई टू है, तो उस कंडीशन में एक्स वन लेस देन इक्वल टू एक्स टू होगा एंड वाई वन लेस देन इक्वल टू वाई टू होगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कट ऑफ लॉ, मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ कट्स ओनली देयर आर ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, यानी कोई कट्स में से ओनली तीन में से कोई एक ट्रू होगा इनमें से, या तो एक्स वन इज सबसेट ऑफ वाई वन होगा, या फिर वाई वन और सबसेट ऑफ एक्स वन होगा, या एक्स वन और इक्वल टू वाई वन होंगे। ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स कि एक्स वन में एलिमेंट है और बट नॉट सबसेट ऑफ वाई टू, इस तरह नहीं होगा। अगर वो या तो एलिमेंट होगा या तो सबसेट होगा, या एक्स वन का सबसेट एक्स वाई वन होगा या वाई वन का सबसेट एक्स वन होगा, या दोनों इक्वल होंगे।